सीसीटीवी कैमरा रोबोट थीफ वर्सेस जेसीबी रोबोट। मगनलाल ने सुबह अपने चांदी के बर्तन के दुकान का शटर खोला, तब उसने पाया कि उसकी पूरी की पूरी दुकान लूट चुकी थी। गल्ले से सारा पैसा चोरी हो चुका था, यहाँ तक कि दुकान का सारा माल भी गायब था। वो सर पर हाथ रखकर जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर सारे लोग वहाँ इकट्ठा हो गए, साथ में उसके नौकर चाकर भी वहाँ आ पहुँचे। अरे मालिक, ये सब कैसे हो गया? कल जब हमने रात में दुकान बंद कर दी तब तो सब सही था, अचानक रातों रात ये सब क्या हो गया? अरे जल्दी से पुलिस को फोन करो, अब वही सब देखेंगे। अपने दुकान का सीसीटीवी कैमरा भी चेक करो, जरूर उसमें उस चोर की शक्ल दिखाई दे रही होगी, पुलिस को ढूंढने में मदद होगी। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया तो दूसरे नौकर ने सीसीटीवी कैमरा चेक किया, लेकिन हायरे किस्मत पूरा का पूरा कैमरा ही वहां से गायब था। शायद चोर उसे भी अपने साथ ले गया। पुलिस वहां आते ही उन्होंने पूछताछ शुरू कर दी। पूछने पर पता चला कि सबसे पहले चोर ने सीसीटीवी कैमरा ही चोरी किया कि तभी अचानक वहां एक नौकर आ पहुंचा। ये क्या, तुम भी आ रहे हो? इतनी देर तक कहां थे? इंस्पेक्टर साहब, मेरी माँ बीमार है, उनकी सेवा करते करते मुझे देर हो जाती है, इसलिए मैं रोज देर से ही दुकान पर आता हूँ। चाहे तो आप मालिक से पूछ लो। ये सच कह रहा है इंस्पेक्टर, वैसे भी मुझे अपने सारे नौकरों पर भरोसा है, इनमें से कोई कुछ नहीं कर सकता। पर मालिक, मैं अब यहाँ नौकरी नहीं कर सकता। आपकी दुकान तो बंद हो गई, पर मुझे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं कुछ दिनों तक दूसरी जगह नौकरी ढूंढता हूँ। जब आपको जरूरत पड़ेगी तब मुझे आप वापस बुला लेना। ये कहकर वो नौकर वहां से चला गया। मगनलाल ने भी उसकी मजबूरी समझकर उसे जाने दिया। पुलिस ने काफी छानबीन की, लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं आया। कुछ दिनों में इस एरिया के और एक दुकान में चोरी हो गई और वहां का सीसीटीवी कैमरा भी गायब था, ठीक उसी तरह जैसे मगनलाल के यहाँ चोरी हुई थी। इस धक्के से लोग संभले ही थे कि लगातार 2-4 दिनों में फिर से चोरियां होने लगी, और सारी चोरियां एक ही तरीके की थी, जो कोई था सीसीटीवी कैमरा चुरा कर ले जाता। छगन व्यापारी इस मामले में 2 कदम चोर से आगे निकला। उसने दुकान में एक ऐसी जगह और एक सीसीटीवी छुपा कर रखा था जिसके बारे में उसके अलावा किसी को भी नहीं पता था। तो छगन सेठ, आपने उस कैमरे में क्या देखा? क्या आपको उस चोर की शक्ल दिखाई दी? अरे आज तक जिन जिन दुकानों में चोरियां हुई है उनके दुकान के बाहर और अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे चोरी हो गए हैं। इसीलिए मैंने किसी को बिना बताए एक सीसीटीवी कैमरा छुपा कर अपनी दुकान में लगाया है। इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। आप खुद देख सकते हो कि उस कैमरे में क्या है और कौन चोर है। अरे वाह, जरा हम भी तो देखें कौन है ऐसा शातिर चोर। पुलिस और छगन मिलकर सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग देखने लगे। तभी उनके नजर में आया कि वो चोर कोई मामूली इंसान नहीं था, वो एक रोबोट थीप था और उसके साथ एक इंसान भी था, लेकिन उसकी शक्ल साफ दिखाई नहीं दे रही थी। वो उस रोबोट की मदद से सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा चुरा लेता और उसके बाद पूरी दुकान साफ कर जाता। अब उसे और उसके रोबोट को पकड़ने के लिए किसी रोबोट की मदद लेनी बहुत जरूरी हो गई थी। मेरे एक दोस्त का रोबोट का व्यापार है, उसने अपनी दुकान की सेफ्टी के लिए एक जेसीबी रोबोट को तैनात किया है, क्यों ना हम उसी की मदद ले। छगन सेठ का ये सुझाव पुलिस को बहुत पसंद आया और उन्होंने तुरंत जेसीबी रोबोट से मदद लेने की ठान ली। छगन और पुलिस के विनती करने के बाद जेसीबी रोबोट को उस एरिया की रखवाली करने के लिए और उस चोर को पकड़ने के लिए भेज दिया गया। 2 दिन तक सही चल रहा था, लेकिन 3रे दिन फिर से उस इंसान ने रोबोट थीप के जरिए एक सोने की दुकान लूटने की कोशिश की। रोबोट थीप ने जैसे ही दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को चुराने की कोशिश की, जेसीबी रोबोट वहां आ पहुंचा और उसने तुरंत रोबोट थीप पर हमला कर दिया, जिसे देखकर वो इंसान वहां से भागने लगा कि तभी छिपे हुए पुलिस वालों ने उसे धर दबोचा। बहुत खेल लिया चोर पुलिस, अब भागकर कहां जाएगा?
देखो तो आखिर तू है कौन। जैसे ही पुलिस ने उसके चेहरे से मास्क हटाया, उस चोर ने अपने हाथों से अपना चेहरा छुपाने की नाकामयाब कोशिश की, जिसे देखते ही पुलिस वाले चौंक गए। वो और कोई नहीं, मगन लाल का वो तीसरा नौकर था, जो अपनी माँ की बीमारी का बहाना कर हर बार किसी नई दुकान में काम पर लग जाता था। तो तू है इसके पीछे, बड़ा भोला मासूम और गरीब बनकर तूने इस नेकदिल व्यापारियों को लूटा है। अब इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। उस नौकर ने गलती नहीं गुनाह किया था, इसलिए उसे सजा मिलना तो तय था। पुलिस उसे अपने साथ थाने ले गई, तो दूसरी तरफ जेसीबी रोबोट ने उस सीसीटीवी चिप रोबोट को इतना तोड़ा फोड़ा कि वो कुछ भी करने के लायक नहीं बचा। आखिरकार जेसीबी रोबोट की मदद से चोर पकड़ा गया और सारा चोरी का माल जब्त कर लिया गया, जिन्हें उनके मालिकों को सौंप दिया गया। मैजिकल जेसीबी रोबोट एंड स्कीबिडी टीवी मैन। रात का समय था, गांव वाले खाना खाकर टीवी देख रहे थे, पर अचानक से सबके घरों की टीवी बंद हो जाती है। Oh, no. एक गांव वाला कहता है, अरे लाइट भी जल रही है, फिर ये टीवी अचानक क्यों बंद हो गया? कहीं मेरा टीवी खराब तो नहीं हुआ ना? अरे बाप रे, भारी खर्चा होने वाला है। हर घर से ऐसे ही टीवी बंद होने की बात शुरू हो जाती है। उसी गांव में रोशन अपने परिवार के साथ रहता था। रोशन का टीवी भी अचानक से बंद हो गया था। अरे ये टीवी भी ना बार बार बंद पड़ते जाता है, अब तो इसे मार खाने की आदत पड़ गई है। जब तक इसे दो थप्पड़ ना पड़े तब तक ये काम नहीं करता बराबर। टीवी और बीवी दोनों एक जैसे हो गए हैं। ऐसा कहकर रोशन टीवी को मारने लगता है, पर तब वो टीवी अचानक से हिलने लगता है और वहां से आवाजें आने लगती है। ये देख रोशन डर जाता है। अरे ये क्या हुआ, टीवी तो बंद है, फिर ये आवाजें क्यों आ रही है? अरे वो सुनती हो, चलो जल्दी से बाहर निकल कर देखते हैं। रोशन अपनी बीवी को लेकर घर से बाहर निकलता है। अब एक एक करते हुए सारे लोग घरों से बाहर आने लगते हैं। सब टीवी बंद होने की वजह से बातें करने लगते हैं। ऊपर से रोशन उन्हें खुद के घर की बात बता देता है। तब एक गांव वाला कहता है, तुम भी ना रोशन, इतना बड़ा हुआ, शादी हो गई पर बच्चे के जैसा डर रहा है। अरे तेरी मार की वजह से टीवी का कोई पुर्जा ढीला हो गया होगा, तुझे लग रहा है कि टीवी में भूत है, क्यों सही कहा ना? रोशन पर गांव वाले हंसने लगते हैं। तभी रोशन के घर के लाइट अपने आप बंद और शुरू होने लगती है। घर के अंदर से आवाजें आने लगती है। सारे लोग रोशन के घर के सामने इकट्ठा होने लगते है। इधर घर के अंदर टीवी फूट जाती है और उस टीवी के अंदर से एक स्कीबिडी टीवी मैन बाहर आता है और वो घर के बाहर आ जाता है। इस कंबक टीवी मैन की वजह से ही मेरा टीवी फूट गया है, पता नहीं अब ये क्या अजूबा दिखाएगा। अरे गांव वालों, अब इस टीवी मैन को देखना पड़ेगा हमें। हाँ चलेगा, एक साथ मिलकर अच्छा पिक्चर देखते है। अरे वो टीवी मैन, कोई धार्मिक पिक्चर तो लगा अपनी टीवी पर। तभी टीवी मैन कुछ न कहते हुए चुपचाप रहता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसके टीवी पे एक गाना शुरू हो जाता है, पर जो कोई उस गाने को देखने लगता है वो गायब होने लगता है। ऐसे करते करते दो चार लोग गायब हो जाते हैं। रोशन को समझने में देर नहीं लगती और वो चिल्लाते हुए कहता है, अरे सुनो सुनो सब सुनो, कोई भी उस टीवी मैन को नहीं देखेगा, अपनी अपनी आंखें बंद कर लो और उसकी टीवी में देखना बंद कर दो, जाओ जल्दी से अपने घर में छुप जाओ। ये सुनते ही सारे लोग आंखें बंद करके टीवी मैन से दूर हो जाते हैं और भागते हुए अपने घरों में छुप जाते हैं। इधर टीवी मैन जिसको देखता था उसे गायब करने लगता था, चाहे फिर वो कोई जानवर ही क्यों ना हो। ये सब रोशन खिड़की से देख रहा था। अरे लेकिन कब तक अब ऐसे ही हम घरों में छुप कर रहेंगे, एक ना एक दिन ये टीवी मैन हम तक पहुंच ही जाएगा। अब तो मुझे मेरे दोस्त नितिन की मदद ही लेनी पड़ेगी। रोशन तुरंत अपने दोस्त नितिन को फोन लगाता है और उसे स्कीबिडी टीवी मैन की बात बताता है। अरे नितिन, तुरंत अपने जादुई जेसीबी रोबोट को लेकर गांव आ जाओ,
अब तेरा रोबोट ही हमें इस मुसीबत से बचा सकता है। हाँ हाँ, मैं अभी निकलता हूँ। मैं सवेरे तक पहुंच जाऊंगा, बस तब तक घर से बाहर मत निकलना। नितिन अपने जादुई जेसीबी रोबोट के साथ सवेरे सवेरे गांव में पहुंच जाता है। नितिन अपने आंखों पर काला चश्मा लगा लेता है ताकि उस पर टीवी मैन का कोई असर ना हो। अच्छा, तो ये है टीवी मैन जो लोगों को गायब कर रहा है। बच्चे, अब तू नहीं बचेगा। तब नितिन अपने जेसीबी रोबोट को उसके बेटे टीवी मैन के पास भेज देता है। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। जेसीबी रोबोट के पावर के सामने टीवी मैन फेल हो जाता है। जेसीबी रोबोट अब सीधे टीवी पर मुक्का मारता है। जैसे ही जेसीबी रोबोट का मुक्का स्केबेडी टीवी मैन के टीवी पर पड़ता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और जो लोग गायब हो गए थे वो सब वहां प्रकट हो जाते हैं। टीवी मैन के मरते ही लोग घरों से बाहर आते हैं और नितिन का धन्यवाद करके उसकी तारीफ करते हैं। तभी रोशन कहता है, गांव वालों, ये मेरा दोस्त नितिन है और इसको मैंने ही बुलाया था, इसलिए धन्यवाद का हकदार मैं भी हूँ। अरे हाँ बाबा रोशन, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से सब कुछ गांव में ठीक हो जाता है। जादुई जेसीबी रोबोट सारे गांव वालों के खराब टीवी को रिपेयर भी कर देता है।